तो अभी जो भक्ति विनोद ठाकुर की भजन हम गा रहे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन लिख रहे थे कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले। कौन बोल रहा जगने के लिए? गौरा चंद्र कौन है? गौरांग महाप्रभु है, प्रेम पुरुषोत्तम। तीन पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, और प्रेम पुरुषोत्तम है गौरांग महाप्रभु, जिन्होंने प्रेम नाम संकीर्तन को लेकर धरा पर अवतीर्ण हुए थे। हैं, प्रेम नाम संकीर्तन गोलो केरो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, जिन्होंने गोलोक के प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन को लेकर इस धरा पर सपार्षद अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सियो धाम सह अवतरी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि वो गौरांग महाप्रभु ने वो करे भजन, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे कि जीव जागो, क्यों आप लोग सोए हुए हो? कहाँ सोए हुए हैं? जो भगवान भगवान के नाम संकीर्तन नहीं कर रहा है तो सोया हुआ व्यक्ति है। जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रोले। ये माया पिशाची की गोद में कितने दिन तक सोते रहोगे? हैं, जो जागोगे नहीं। वो जागृत माना जाता है जो सदा भगवान हरि के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन ये आंदोलन में गौरांग महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेकर हरिनाम के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, तो वो जागृत माना जाता है। और जो विषय भोग में फंसा हुआ उसको माया की गोद में सोने वाला माना जाए, माया की गोद में सोया हुआ है, माया उसके तो बहुत सो जाओ थोड़ा है, विषय भोग में इस संसार में रहो। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते कितने दिन सोते रहोगे ऐसा, कितने कतो निद्रा जाओ, कब तक सोते रहोगे ऐसा, जगो जग जाओ। क्या करना है जग के? किसलिए तुम आया था संसार में? भूल गया महाप्रभु कहते कि तुम किसलिए आया था, भूल गया तुम? भजीब बोलिया से संसार भीतरे भूलिया रही ले तुम्ही अविद्या भरे। तुमने जो माँ के गर्भ में था तो इतनी यंत्रणा भोग रहा था, माँ के गर्भ में ऐसे ही उल्टे रहता था, सिर को नीचे करके पैर को ऊपर करके ऐसे ही था, इतने गंदे स्थान के मौल मूत्र पिंड के बीच में कीड़े से वो काट रहे थे, अत्यंत अत्यधिक कष्ट भोग रहा था। हैं, तभी तूने कहा कि मुझे हे प्रभु यहाँ से निकाल दो, मैं आपकी भजन करूँगा। हैं, किसलिए संसार में आया? भजीव भजीव बोलिया ऐसे संसार भीतर ही, कहा कि मैं आपकी भजन करूँगा, भगवान की भजन करने के लिए संसार में आया है। नहीं तो माँ की गर्भ में इतने कष्ट भोग रहा था, बोला तो भगवान ने बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल के आ गया, आकर इसीलिए भूल गया। फिर जो प्रतिश्रुति दिया था भगवान को माँ की गर्भ में कि मैं आपको मरे संसार में आने के बाद क्या करूँगा, आपकी भजन करूँगा, भजीब बोलिया ऐसे संसार भीतर है, भोग करने के लिए तुमको नहीं यहाँ आया, तुम भजन करने के लिए बोला तुमको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आकर भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या भरे। फिर भूल गया संसार के अंदर में, जो आ गया आके फिर अविद्या के कारण है, फिर भूल गया, क्योंकि सब बच्चा जन्म लेते ही इसकी पिताजी आ जाता, माताजी और उसके रिलेटिव सब खुश हो जाते हैं, बच्चा जन्म लिया नया बच्चा है, सुबह उसको सब आके देखते, तो वो भी सबको देखता, कोई गाल में हाथ लगाया, अरे लाला है कितने फिर, सब लोग हंसते रहते, छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते, इसको वो भी आके हंसते रहते, तो वो सबको देख कर फिर वो जो प्रतिश्रुति दिया था भगवान को भजन करेगा संसार में आकर, वो भूल गया, फिर अविद्या में फंस गया। हैं, जो हरि भजन करता वो विद्या असली विद्या है, आध्यात्म विद्या विद्यानांग। हैं, भगवान कहते हैं कि मैं विद्या में आध्यात्म विद्या हूँ, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जो विद्या हमको ले जाता है उसको विद्या कहते हैं, जो उस मार्ग में नहीं संसार में फंसा देता और जन्म चक्र में, वो विद्या है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या भरे, संसार में फंस गया फिर।
आया था भजन करने के लिए, लेकिन भूल कर इसमें फिर संसार में फंस गए। इसलिए महाप्रभु कहते कि तुम्हारे लयते आमी हईनु अवतार, तुम ऐसे ही अविद्या में फंस गया, फिर देखकर मुझे स्वयं आना पड़ा, मैं अवतार लेकर आया है तुम्हारे लयते, किसको लेने के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों को लेने के लिए महाप्रभु कहते मैं अवतार लिया है। तुम्हारे लयते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधुआर के अच्छे तुम्हार, तुम समझ नहीं पा रहे, मैं मेरा अला तुम्हारे वरी कोई दूसरे बंधु नहीं है, मुझे तुम पहचानता नहीं है, मैं ही वही कृष्ण हूँ हैं, जो गीता में कहा था श्रुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा मां शान्तिरुच्यते, जो इस बात को समझ लेता है मैं ही प्रत्येक जीवात्माओं की एकमात्र श्रुत मित्र हूँ, जो भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान त्वमांग शांति रिच्छति, मैं वही व्यक्ति हूँ। अभी कृष्ण था उस समय, कृष्ण बनकर गीता कहा था, अभी किस रूप में आया, कृष्ण चैतन्य के रूप में आया और तुम्हारे लिए अवतार लेकर आया, मुझे तुझे कैसे भगवतधाम जाओगे उसको मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारे लयते आमी होइनु अवतार हैं, आमी बिना बंधु और मेरे अला दूसरे कौन बंधु तुम्हारे हो सकता है, और जितने भी तुम साधारण बंधु समझाए संसार में, वो तो तुमको संसार में फंसा के रखते इधर हैं, जिनके मोह के कारण तुम बार बार जन्मों के संसार में भटकते रहता है, तुम इसको समझा नहीं, असली मित्र तुम असली बंधु मैं ही हूँ, और तुमको फिर भगवत धाम में वापस ले चलने के लिए मैं स्वयं अवतीर्ण हुआ हैं, गौरांग के रूप में हैं अवतीर्ण हुआ, तुम समझ नहीं पाया हैं। इसलिए महाप्रभु कहते कि देखो तुम मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुमको भूला नहीं है, मैं तुमको भूला नहीं और तुमको लेने के लिए अवतार लेकर आया हूँ, और मेरे समान और कोई बंधु तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमको उद्धार कैसे करूँगा, उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेके आया ना, क्या लेके आया तुमको उद्धार करने के लिए, कैसे तुम उद्धार होगे हैं, एनएचई औषधि माया नासीबार लागी, तू मुझे भूल गया मुझे और माया में फंस गया, ये इसी से तुमको उद्धार करने के लिए, तुम्हारे स्मरण फिर मेरे बारे में दिलाने के लिए एक मेडिसिन लेकर आया, एक औषधि लेकर आया, तुम्हारे लयते आमी होइनु अवतार, लेकिन तुम भूल गया मुझे, इसलिए एनएचई औषधि माया नासीबार लागी हैं, ये माया के आवरण को बहिरंग शक्ति आवरण को नाश करके फिर मेरी स्मरण दिलाने के लिए एक औषधि लेकर आया, कौन सा औषधि, क्या हरिनाम महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को लेकर आया तुम्हारे पास हैं, बहुत सरल उपाय, तुझे यदि ये मंत्र स्वीकार कर लोगे फिर तुम जग जाओगे, जग जाओगे फिर मेरी स्मरण कर पाओगे हैं, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्न त्वाम नाम नामिनि, भगवान नाम और नाम ही अभिन्न है, इस नाम ही चिंतामणि, नाम चिंतामणि। चलिए जो हम जो चर्चा करेंगे उसके नाम भी वो रहेगा क्या सेमिनार का, हरि नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान के कृष्ण के जो नाम है वो चिंतामणि पत्थर के समान, चिंतामणि पत्थर किसको कहते हैं, चिंतामणि का क्या काम होता है, लोहा को, तो ऐसे आप सब बद्ध जीवों को भी जो मुक्त जीव बना पाएगा वो क्या है, हरिनाम, ये हरिनाम की जप और कीर्तन के माध्यम से हम सब बद्ध जीव पहले थे अभी सोने लोहे के समान है, लेकिन कैसे बन जाएंगे हैं, अभी ये भौतिक जगत में रहने के लिए क्वालिफाइड है, जेल के अंदर रहने के लिए कैदी है, लेकिन जो हरिनाम के आश्रय लगा कहाँ रहने के लिए क्वालिफाइड बन जाएगा, गोलोक गोलोक में निवास करने की क्वालिफाइड बनाएगा आपको है, जैसे चिंतामणि पत्थर लोहा को सोना बनाता है, तो हरिनाम ऐसा ही है, तो आपको ये भवसागर से उद्धार करके गोलोक वृंदावन में पहुंचा देगा हैं, भगवान के चरण कमल में निवास करने की योग्यता प्रदान कर देगा, तो इसलिए इसको भी चिंतामणि कहा गया, हरिनाम चिंतामणि। तो महाप्रभु कह रहे कि मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ, हरिनाम महामंत्र लह तुम्हें मांगी, इसको मांग लो मेरे से फ्री में, पैसा देना पड़ेगा नहीं,
पैसा देकर खरीदना नहीं पड़ेगा, हैं, मैं फ्री में दे रहा, बांट रहा हूँ, इसको ले लो, है ये औषधि लेकर हरिनाम महामंत्र लाया, इसको ले लो। इसीलिए महाप्रभु ने कह देखे कि स्वयं कितना प्रचार करेंगे, दो पहले आदेश दे दिए, दो व्यक्ति को इसको प्रचार करो, किसको, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, जिनको नामाचार्य कहते, जिनकी मुख से हरिनाम चिंतामणि की बाहरिनाम महिमा का उन्होंने, महाप्रभु ने वर्णन कराया, जिनको नामाचार्य बनाया उनको ही पहले भले प्रचार करो, पहले नित्यानंद प्रभु और उनको पहले भेजे, क्या कहे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो ई विक्या, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, पहले भेज दिए इनको, घर घर में जाओ और इसको प्रचार करो हरिनाम की महिमा, इनको यही भीख मांगो, सबको बोलो कि बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कह के वही भीख दो, नाम की भिक्षा दो, दूसरा भिक्षा नहीं चाहिए, रुपया रुपया चाहे और क्या, धन, ये सब धन जन कविता सुंदर ये सब भिक्षा नहीं चाहिए, क्या भिक्षा चाहिए, हरिनाम की भिक्षा चाहिए, बोलो कृष्ण, इसको बोलाओ हरे कृष्ण बोलाओ, और वही भिक्षा हरे कृष्ण की भिक्षा, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, और कर कृष्ण शिक्षा, यही कृष्ण शिक्षा भगवद गीता है, वह वही कृष्ण ही शिक्षा दिए कि हरिनाम का जप और कीर्तन करो, यही सिखाए, यही महाप्रभु ने भेजे दोनों को, तो इसलिए महाप्रभु कहते कि तुम्हारे लिए हरिनाम महामंत्र को लेके आया, और तुम इसी महामंत्र को यदि फिर भजन करो प्रारंभ करोगे, इसका जप कीर्तन प्रारंभ करोगे, फिर तुम अपने स्वरूप को पहचान जाओगे, तुम कौन हो, तुम इस संसार के नहीं हो, तुम कहाँ के, वही नंद तनुज किंकरंग पति तंग मांग विषमे भवाम, ये भवसागर में गिर गया तुमने, असली तो मेरा ही नित्य दास है, जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये भूल गया है, अभी सोच रहा कि मैं माया का दास हूँ, लेकिन जो हरिनाम के आश्रय करेगा फिर तुम पता लग जाएगा तुम माया के दास नहीं है, किसका दास है, कृष्ण के दास, इसलिए मैं मेडिसिन लाया, मेडिसिन खा दो, बीमारी हो भी भवसागर में बीमारी बन गया, मेडिसिन खाओ तो ठीक हो जाओ, दो चीज़ खाना पड़ेगा महाप्रसाद, कोई बीमारी आदमी को दो चीज़ का ज़रूरत है, एक उसका परहेज, डॉक्टर कहते हैं परहेज ऐसे खाना, और दूसरा मेडिसिन, प्रभुपाद जी कहते परहेज क्या है, पराज है, परहेज है कृष्ण प्रसाद, राधा रास बिहारी को भोग लगा के खाना, ये है परहेज, महाप्रसाद खाना और महामंत्र गाना, मेडिसिन है महामंत्र, परहेज है महाप्रसाद, मेडिसिन है महामंत्र, तो महाप्रभु कहते मेडिसिन लाया हूँ ले लो, मेरे से मांग कर ले लो, मांग कर मांग लो, बस फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा, हैं, लेकिन एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, क्या मूल्य होना चाहिए, श्रद्धा मूल्य, श्रद्धा मूल्य देकर खरीद लो, विश्वास करो, श्रद्धा का अर्थ विश्वास करो, तुम्हें हरिनाम में आश्रय करोगे तो तुम भगवतधाम पहुँच जाओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख सब दिन के लिए तुम्हारे से छूट जाएगा, हैं, तुम उस नित्य धाम को चले जाओगे, जद गत्वा न निवर्तन्ति तद धाम परम, उस परम धाम को प्राप्त कर लोगे, इसलिए एनसी औषधि माया नाशीवार लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी, फ्री में मांग लो, इसलिए महाप्रभु ने कही नित्यानंद देखो ये ऐसे ही नहीं, और घर घर में तो प्रचार करे ठीक है, लेकिन ये बाजार भी खोल के बैठो, ये मार्केट खोल दो, इसका मार्केट मार्केट प्लेस ऑफ होली नेम, होली नेम मार्केट खोलो, हरिनाम की मार्केट खोलो, बाजार खोलो, और जितने सबको बांटो, फ्री में बांटो, हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु भी मार्केट खोल दिया, कहाँ खोले, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, नदिया 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 गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रु में
हट जीवेर कारण। प्रभुर आज्ञारे भाई मागिए भिक्षा, प्रभुर आज्ञारे कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोल कृष्ण नदिया गो तुमे नित्यानंद महाजन हाथी अच्छे नाम हट जीवे अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, अपराध कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता नदिया गो तुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रकार। कृष्णेर संसार करो छाड़ियो नाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया नदिया गो तुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रकार। महाप्रभु ने तो कहे कि मैं औषधि लेके आया, कहाँ से? गोलोक से लेके आया, गोलोक रो प्रेम दो ना हरिनाम संकीर्तन, इसको लेके आया, ला के मैं बोल रहा हूँ ले लो इसको, ये मेडिसिन लाया तुम्हारा माया की बीमारी ठीक हो जाएगा। हाँ केवल मैं भी क्या करूँ, इसलिए दो कई लोगों को अपॉइंट कर दिया कि इसको बांटने के लिए लोगों को फ्री में बांटो। इसमें तो एक है नित्यानंद प्रभु, नवद्वीप में नदिया में बांटे और पूरी में भी एक को अपॉइंट कर दिए, इसको नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, ये नदिया में खोल दिए ना गोद्रम द्वीप में अपने हाट बाजार खोले, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने आदेश दिया कि प्रचार करो, कहाँ बंगाल में प्रचार करो, इसलिए वो तो मार्केट आप खोल दिए कहाँ नदिया गोद्रम में, और हरिदास ठाकुर ने वो महाप्रभु ने कहा कि यहाँ मार्केट खोलो, कहाँ जगन्नाथपुरी में, तुम पुरी में जो महाप्रभु आ गए तो वो भी आ गए हरिदास ठाकुर में, तो वहाँ सिद्ध बकुल के पास में रहने के लिए उनको स्थान दिए, कहे कि वहीं उनका मार्केट प्लेस है, वही खोल दिए, और नाम के महिमा को महाप्रभु ने उन्हीं के मुखारविंद से प्रकट कराया। किन के मुखारविंद से? हरिदास ठाकुर। तो इसलिए आज एक अली इंट्रोडक्शनरी क्लास है आज, इसलिए हरिदास ठाकुर के भी संक्षिप्त जीवन संक्षिप्त में कहेंगे। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि कोई तो आया न आया मांगने के लिए, लेकिन मैं आ गया। कौन? भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया सही हरिनाम मंत्र लैला मांगी। और कोई गया नहीं, कि आप लोग हम जैसे बद्ध जीव गए नहीं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो जाकर प्रभु के चरण में गिर पड़े, नित्यानंद प्रभु के चरण में, महाप्रभु के चरण में, फिर नित्यानंद प्रभु के चरण, हरिदास चरण में गिर कर ये हरिनाम मंत्र को मांग लिए। हैं मांग कर हमको फिर दे रहे, ले लो आप लोग। इसीलिए उन्होंने किताब भी लिखा, भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब लिखा, ये हरिनाम चिंतामणि कौन लिखा? भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो इसलिए कहते कि इसको ले लो, श्रद्धा विश्वास करो, हैं विश्वास करके श्रद्धा मूल्य दे के विश्वास के साथ इसको खरीद लो। किसको? हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि है ये लोहा, चिंतामणि पत्थर जैसे लोहा को सोना बनाता है, ऐसे हम बद्ध जीवों को भी लेकर गोलोक वृंदावन में पहुंचाने का ये शक्ति है। किसकी? हरिनाम की। हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्ते इव गतिरन्यथा। भाई दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति तीन बार कह दिया गया और कुछ नहीं। इति षोडशकंग नामना कलौ कलमसनासनम ना तो परोतरंग देविंग सर्ववेदेशु दृश्यते। सारे वेद को रिसर्च करके देख लिया शंकर जी भी, कहे कि और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। क्या? इति षोडशकंग नाम, ये 16 शब्द 32 अक्षर वाला
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की जप और कीर्तन ही एकमात्र उपाय, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हरिनाम की महिमा को, जैसे गौरांग महाप्रभु स्वयं तो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ही, और उन्होंने भिन्न भिन्न अपने पार्षदों के माध्यम से एक एक भक्ति की महिमा को प्रचार किया है, उन्होंने माध्यम बनाया। जैसे उन्हें रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति रस तत्व को समझाया, रामानंद राय के मुख से कृष्ण कथा को हमको श्रवण कराया है, कृष्ण के वो भी रस रसी के भक्त, और सनातन गोस्वामी के मुख से विधि भक्ति की है, हरि भक्ति विलास आदि विधि वैधि कैसे विधि विधान के साथ भक्ति करना उसको सिखाया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से विग्रहों की सेवा, सालग्राम और विग्रह जो एक है, और डटी विग्रहों की कैसे पूजा करना अर्चन करना, तो वो सब सिखाए किनके माध्यम से, गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से है। ऐसे ही सब भिन्न भिन्न अपने पार्षदों के माध्यम एक एक को माध्यम बनाकर भागवत को कैसे पढ़ना है, उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के माध्यम से सिखाया। क्या श्रीमद भागवत की रहस्य, भागवत को कैसे आस्वादन किया जाए, गदाधर पंडित तथा रघुनाथ भट्ट, ये दोनों भागवत के आचार्य हैं। ऐसे भिन्न भिन्न भक्तों को अपने पार्षदों को माध्यम बनाकर सो सिखाया, लेकिन विशेष रूप में ये सिख कली युग का जो युगधर्म है, युगधर्म हरिनाम संकीर्तन को इन्होंने किसको माध्यम बनाया इसकी शिक्षा देने के लिए, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की जो जीवन है ऐसा ही भौतिक दृष्टि से इसी लीला में इन्होंने के मुजवन परिवार में जन्म लिए थे। क्यों जन्म लिए थे उसके इतिहास पहले से भी है। महाप्रभु की लीला में दो हरिदास है, एक बड़ा हरिदास तो एक छोटा हरिदास। बड़ा हरिदास को छोटा हरिदास तो कहानियां में नहीं कहेंगे, इधर कौन हरिदास है, नामाचार्य कौन सा हरिदास है, इनको और क्या कहा जाता है, ब्रह्म हरिदास इनको भी कहा जाता है, ब्रह्मा हरिदास। ये ब्रह्मा जी थे पिछले जन्म में, ब्रह्मा ही स्वयं हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए इनको ब्रह्मा हरिदास कहते हैं। जो भगवान ने ग्वाल वाल सखाओं की साथ में लीला में हैं रहे हैं, अघाई गांव, वो अभी हमारे इस्कन के गुरुकुल वहाँ बनने वाला है, वही गांव अघाई जहाँ पर अघासुर का वध हुआ था, अघासुर को वध करने के बाद भगवान ने अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ में जाकर सब यमुना के किनारे क्या करते थे, हैं प्रसाद खाने के लिए सब बैठे हुए थे, पूरे बीच में भगवान बैठे हुए थे, चारों साइड में इनको घिर कर सारे बच्चे के बैठे हुए थे, लेकिन सभी बच्चा देख रहे थे कि सब सोचते थे कृष्ण हमको ही देख रहा है, कृष्ण मैं कृष्ण को देख रहा, कृष्ण मुझे, ऐसे ही बचे थे बैठे थे भगवान कि सभी लोग सोचते कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं, मैं ही कृष्ण को देख रहा, कृष्ण मुझे देख रहे हैं। अब राधा राजबेरी के सामने खड़े हो गए तो क्या आपको लगता, राधा राज आपका देख रहे जितने भी है सब सोचते कि राधा राधाबेरी हमको देख रहे हैं, तो हम भी मैं भगवान देख रहा, भगवान मेरा, मैं भगवान, तो सब बाल बाल ऐसे सोच रहे थे, बैठे हुए थे भगवान बीच में हैं, और सब भोजन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रह्मा जी आए थे, ये वो अघासुर का कैसे वध हुआ, इतनी विशाल राक्षस का कैसे वध हुआ उसको देखने के लिए हंस विमान में आए थे, आके देखे आश्चर्यचकित हो गए, इतनी विशाल राक्षस का कैसे हैं वध हो गया, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ है नहीं, ऐसे ही कौन मार डाला है इसको, ऊपर बास्ट हो गया अपने आप, उसका बॉडी पूरा अपने आप फट गया है, कोई बम रख दिया उसके पे, उसका कोई बम बम भी था नहीं, कैसे बास्ट हो गया, इतना बड़ा राक्षस का मृत्यु कैसे हो गया, उसको देखने के लिए आए ब्रह्मा जी हैं, लेकिन वो तो मर चुका था अघासुर, लेकिन देखे कि भगवान भोजन गिला कर भगवान सारे बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं, ऐसे ही कुछ जानते नहीं, चार साल के साढ़े तीन साल चार साल उम्र में बैठे हुए सारे बच्चे लोग बैठे हुए, और अपने अपने टिफिन सब खोले घर से बांध के लिए गए थे, आप लोग स्कूल में जाते थे बचपन में टिफिन माँ ने भर के देते थे, भगवान के लिए भी दही भात फ्रूट सलाद माँ जसोदा ने देती थी, दही भात और फ्रूट सलाद, और सब बच्चे लोग अपने अपने घर से जैसे ले के आते, सब कृष्ण के बीच में बैठ गए और सब चारों साइड में घिर के बैठ के अपना अपना क्या खोले। उस दिन बलराम नहीं आए थे, कौन नहीं आया था, बलराम नहीं आए थे, उन्हें बलराम का अपना जन्म नक्षत्र का तिथि था, इसलिए उनको रुक के देते घर में, तो पूजा पूजा करेंगे ब्राह्मणों का आशीर्वाद, तो इसलिए बैठ ब्रह्मा ने बलराम नहीं थे बैठकर भोजन जब कर रहे थे, एक ग्वाल बाल सखा ने कहता था कृष्ण
देखो मेरे मैं बहुत अच्छे स्वीट हमारे घर में मेरे माँ ने स्पेशल आइटम आज बना के दिए, तुम आँख बंद कर मुख खोलो, सबसे पहले तुमको खिलाओ। भगवान ने आँख बंद कर मुख खोल दिया तो एक फूल डाल दिया, सब ताली मार, अप्रैल फूल इसको बना दिए, अरे कृष्ण को अप्रैल फूल बना दिए, बस बोलो। वहाँ से मधुमंगल कहते हैं कृष्ण देखो ना तुमको सुबल बुला रहा है, उसे भगवान सुबल को घूम के सुबल की तरफ देखे 10 लड्डू उठा के ले गया, बस कौन मधुमंगल उनके प्लेट से लड्डू सारा उठा के ले गया। तीसरा बालक कहता है कृष्ण देखो ना खाया पहला लड्डू, एक लड्डू था उसको खाया पहले, खा के बोला कृष्ण बड़ा टेस्टी है, मेरे माँ ने बनाया ऐसे लड्डू तो खाया नहीं कभी, देख बहुत मीठा है, पहले खा के आधा फिर भगवान के मुख में डाल दिया अपना झूठन। ब्रह्मा जी देख रहे थे कोई ये भगवान है, हाँ इसको लोग बुद्धू बना देते हैं, कोई उसको कोई उसका चिन्ह कोई साधारण बालक की तरफ वो छीन लिया उसको चो है, उसको पता ही नहीं रहा, वो झूठन खा के खिला देता है उसको, बड़ा तो संशय में आ गए ब्रह्मा जी, इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा मेरा शक्ति से परीक्षा करूँगा, जो शक्ति आयो प्रयोग करके, क्योंकि इस भौतिक संसार में जितने योगी हैं जितनी भी योग शक्ति जिसके पास है सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ योगी को योग शक्ति किसके पास है, ब्रह्मा जी के पास, श्रेष्ठा है गुणावतार है भगवान के, तो क्या करें। तो फिर बछड़े को पहले बछड़ों को जो ये तो खा रहे थे लेकिन इन बछड़े से दूर में चल रहे थे घास खा रहे थे, बछड़े बछड़ों को गायब कर लिए अपने योग शक्ति के सारे बछड़ों चोरी कर लिए, बछड़ों जो दिखाई नहीं पड़े ऐसा ग्वाल बाल सगन बोले हमारे बछड़े से कहाँ गए, वो खड़े हो गए खाते खाते सो डिस्टर्ब हो गए खड़े हो गए, तो भगवान कहे कि तुम लोग खाओ मैं बछड़ों को लेके आता, भगवान स्वयं गए बछड़ा लाने के लिए, ये लोग खा रहे थे लेकिन भगवान जो चले गए इनको छोड़ के, ब्रह्मा जी फिर आकर ये सारे ग्वाल बाल सखाओं को ले गए चले, भगवान आके देखिए क्या रे बछड़े भी चले गए फिर ग्वाल बाल मेरे सखा भी सब कहाँ चले गए, तो देखिए कि अरे अच्छा समझ गए थोड़ा सा इसे किसका काम है। तो भगवान ने फिर अपना बोले मैं कैसे जाऊँ घर में ऐसा थोड़ी जाऊँगा, फिर अपने को विस्तारित कर लिए, हैं दूसरे ग्रुप के बछड़े ऐसे ही बना दिए और दूसरे ग्रुप के ग्वाल बाल भी बनाकर स्वयं को विस्तारित करके फिर जैसा दिला पहले करते थे ऐसे ही विस्तार। ब्रह्मा तो रखकर आ गया था अपने इनको सब रखकर बछड़े और ग्वाल बाल को रखकर फिर आया देखने क्या कर रहा है, देख रहे फिर भी बछड़े जैसे थे ऐसे ही थे जैसे ग्वाल बाल ऐसे ही है, बड़ा परेशान हो गया ब्रह्मा, बोले कैसे आ गए मैं वहाँ रख दिया था कैसे आ गए कैसे आ गए, बार बार जाते थे वहाँ देखते थे फिर यहाँ देखते थे, वहाँ तो सोए हुए हैं उनको मोहित करके सुला दिया तो सोए हुए फिर इधर देख रहे दूसरे ग्रुप का है, हाँ भैरी भगवान की लीला चल रहा है, तो अभी उनको समझ में आ गया है, बोला ये जो छोटा बालक है चार साल बालक ये वही मेरे परम आराध्य देव स्वयं आदि पुरुष कृष्ण है जिनको मैंने प्रार्थना किया था, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि अभी क्या करूं, अपराध कर दिया अभी तो पोस्ट जाएगा मेरा है, अभी क्या करूं, रोने लगे बहुत रो रही और किसी कुछ ना कर चारा शरीर को झुकाते हुए भगवान के सामने ही गिर पड़े, बोले तो देखे कि सारे लीला फिर एक बार देखे भगवान ने ऐसे ही खड़े हुए शाखा एक पेड़ का नीचे को पेड़ के शाखा को पकड़ के ऐसे ढूंढ जैसे आप ढूंढ रहे हमारे सखा मेरे सखा बछड़े जो कहाँ गए बड़े दुखी खड़े। अब ब्रह्मा जी ने आकर समझ गया ये भगवान जितनी भी स्तुति करने पर भी हैं दशम स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति इतनी सारे स्तुति गाने पर भी भगवान एक शब्द भी बोले नहीं ब्रह्मा को, नाराज थे खुश नहीं रहे। इंद्र ने तो मैंने बारिश कराया और भगवान ने गोवर्धन को धारण किए इनको रक्षा करने के लिए सारे ब्रजवासी इकट्ठी हो गए थे, भगवान बड़े खुश थे इंद्र ने अच्छा किया, इन गोपी और राधारानी के समेत सभी थे, भगवान तो राधारानी को मुखारविंद को निहारते हुए गोवर्धन धारण गोवर्धन धारण कर खड़े थे, बोले इंद्र ने बहुत अच्छा काम, इतने सारे मेरे भक्तों के बीच में मैं रहा हूँ 7 दिन 7 रात एक साथ भक्त और भगवान, लेकिन ये ब्रह्मा क्या किया भक्तों को भगवान से अलग कर दिया, बड़े नाराज हैं एक शब्द भी नहीं बोले, हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम, हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम, इसलिए ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा किस रूप में, हरिदास ठाकुर के रूप में, और हरि के स्थान में जो अपराध किए थे कितना नाम जपना पड़ा इनको डेली, हैं 3 लाख से ज़्यादा है, महीने में 1 करोड़ एक महीना में 1 करोड़ नाम लेते थे, तो 3 लाख लेने से कितना होगा 90 लाख और 10 लाख एक्स्ट्रा है 100 लाख नाम जपते थे 1 करोड़ नाम, हैं 3 लाख से भी ज़्यादा डेली
हरिदास ठाकुर, इसलिए ब्रह्म हरिदास उनको कहते, ब्रह्मा जी नहीं हरिदास ठाकुर बल्कि कलयुग में आए, ऐसे नीच कर्म किए, इसलिए उनके जन्म भी नीच घर में हुआ, जवन कुल में जन्म लिया है। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि बूढ़न ग्रामे ते जन मिला हरिदास, से ही हेतु से ही देशे कीर्तन विलास। है बूढ़न ग्राम, ग्राम में जन्म लिया, बूढ़न ग्राम बांग्लादेश में, तो जब हरिदास ठाकुर जन्म लिए, अब उनके प्रभाव से ही उस आसपास के गांव में कीर्तन की विलास होने लगा। उनको कोई सिखाया नहीं जन्म से, है उनको कोई हरि कीर्तन करने के लिए कोई सिखाया नहीं, लेकिन वो पूर्व संस्कृति से पूर्व, जैसे पहले उनके सुकृत था कि पूर्व जन्म में ब्रह्मा थे, इसलिए वो ऑटोमेटिकली भगवान के हरि कीर्तन करने लगे जन्म से ही। हैं कोई कही कहते कि नहीं उनके माता पिता तो उनकी डेथ हो गया था ऐसे ही, और ऐसे मुसलमान परिवार में उनको लालन पालन किए, जो भी है, लेकिन बचपन से भी इनको हरिनाम में रुचि रहा, हरिनाम के प्रति रुचि रहा, सदा हरि संकीर्तन करने लगे। हैं थोड़े बड़े हो गए तो घरवार छोड़ के जंगल में चले गए, जंगल के में जाकर झोपड़ी बनाकर हरिनाम कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जंगल में जाकर हरिनाम करने लगे। हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में कौन सा लीला कब हुआ था, कई की रचना में थोड़ा ओलोट पलट, कोई लीला पछे कोई लीला आगे, ऐसे लिखा हुआ भिन्न भिन्न पुस्तक में, चैतन्य चरितावत में, चैतन्य भागवत में विशेष में इनकी सब वर्णन आता है। हरिदास ठाकुर बूढ़न गांव जाकर हैं बेणापुल के जंगल में चले गए, बेणापुल के जंगल में रहकर भजन के, लेकिन वहाँ पर सब नास्तिक लोग डिस्टर्ब करिए, उनको डिस्टर्ब करने लगे, तो उनको फिर जाकर वो बेणापुल में कोई गंगा किनारे गुम्फा बनाकर वहाँ भजन करने लगे। वहाँ पर जो गुम्फा के, मैं गुम्फा में संक्षेप में बोल रहा हूँ लेकिन विस्तार में नहीं, वहाँ रह के भजन करने लगे, दिन रात लाखों नाम लेने लगे। तो फिर क्या हुआ, उस अंचल के जो मूलकपति था तो वो ईर्ष्या बना, क्योंकि हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने के लिए लाखों लोग आते थे, उनको प्रणाम करते थे, जय हरिदास जय हरिदास, सर्वत्र लोग जय हरिदास कहे। यही बोला मैं राजा हूँ, रामचंद्र खान बोला कि मैं राजा हूँ, अरे मेरे को कोई प्रशंसा नहीं करे, मेरा कोई कुछ नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं, कोई भेंट भी नहीं लाता, कुछ नहीं यार, इसको लेकर सब दे देते साधु पक्ष में जाते थे, सब जानते, ये मांगते नहीं, कहीं जाते नहीं, अपने बड़की केवल नाम जपा रहा था दिन रात, बड़ी क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जहाँ भी रहते थे ये छोटा घास की कुटिया बनाते थे, उसके सामने एक क्या लगाते थे, तुलसी महारानी को रोपण करते थे, और उनको तुलसी महारानी के रक्षण वेक्षण उनमें जलदान आदि करके उनके पास में बैठकर जपा करते थे। नाम आचार्य सिखा रहे जप कैसे करते थे, तुलसी के सामने बैठकर जप करते थे, तुलसी महारानी के सामने गंगा भी था, गंगा किनारे तुलसी महारानी को रोपण करके वहाँ सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करते थे। तो रामचंद्र खान ने सोचा कि इसको कैसे फॉल डाउन करना है, किसको, हरिदास को फॉल डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा इसका जस तो सारा दुनिया में फैल गया है। तो जो नाम जाते बेसिया थे सब, बेसिया में सब इकट्ठी इष्ट गोष्ठी बुलाया, बोला देखो तुम लोग में कोई ऐसा है जो कि हरिदास है, जो बड़ा साधु दिखा रहा है इधर, हैं हजारों लोग जाकर उसको प्रणाम करते, मेरा को कोई नहीं, हरिदास उसी का जयगान करते, जय हरिदास बोले कोई, जय रामचंद्र खान बोलता ही नहीं है, कोई भी भेंट सारे भेंट लेके इसको दे देते, मेरे पास कोई भेंट भी लेके आता है, इसको मेरे राज्य से निकालना पड़ेगा, ऐसा तो क्या करने से लोग मुझे बदनाम करें, अरे साधु को पिटाई करके निकाल दे, ऐसा ठीक नहीं रहेगा, आप लोग कुछ करो, इसको केवल ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा, इसको बदनाम भी करके छोड़ना पड़ेगा, किसको, तो बड़ा यंग है, अभी यंग लड़का है, उस समय हरिदास ठाकुर बस 20 साल के ऐसे यंग एकदम थे, बोले इसकी मन में काम वासना तो ही होगा, प्लस टी डिजायर होगा, इसको फॉल डाउन करने के लिए आप लोग में कोई है समर्थ हो जाके इसको इसको ऐसे ही इसका मन में काम वासना जाकर एकांत में जाओ रात में है जाके इसको इसके मन में डिजायर को जो सेक्स डे जो
संभोग करने की इच्छा को उद्रेक कराओ, जागृत कराओ, जाओ। हैं सब लोग बोले कि नहीं, वो सब लोग जानते थे ठाकुर महाशय है, हरिदास ठाकुर, हम तो विषयाभिवृत्ति करते हैं, लेकिन ये भक्त है, हम कैसे इसको कहीं क्यों बदनाम करेंगे इसको। सब लोग राजी नहीं हुआ, लेकिन एक वेश्या आगे राजी हो गया है, लक्ष्य हीरा नाम के एक वेश्या था, वो कहा कि ठीक है मैं जाऊँगा। रामचंद्र कहा बोला बहुत बड़ा इनाम दूंगा, चिंता मत करना है, लेकिन तुम जाओ और इसको जब फॉल डाउन करोगे उसके साथ आलिंगन करते हुए तो मेरा सिपाही रहेंगे और तुमको तुरंत अरेस्ट करके दोनों को ले आएंगे। तो वो बोलेंगे नहीं वेश्या कहे ऐसा नहीं, मुझे भेज रहे तो कम से कम एक बार तो उसके साथ मेरा संग हो जाए, फिर दूसरी बार तुमको देखे मैं बताऊंगा आपको, एक बार सिपाही पिपाही वो भी सिपाही वगैरह मत भेजो, अभी मेरे को अकेले जाने दो। तो इसलिए वेश्या ने गए अर्धरात्रि में, जाकर क्या देखा, हरिदास ठाकुर अपने तुलसी महारानी सामने बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र जपा कर रहे हैं। वेश्या ने जाकर तुलसी महारानी ने देखकर प्रणाम तो किया है, कम से कम तो हिंदू की रीति है, तो विश्वास दिलाने के लिए उनके मन में मैं भी कुछ हरिदास के चरण में प्रणाम करके, लेकिन वो अपने शरीर से सो लोग नहीं कपड़े से थोड़ा सा इधर उधर उखाड़ के हैं, जैसे अपने कुछ प्राइवेट कुछ शरीर का जैसे कुछ उनको देखे आकर्षित, स्त्री का आकर्षित जैसे बक्के स्थल है हैं, उनका सब ऐसे ही करके थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा हटा के ऐसे ही बैठने लगा आकर्षित करने के लिए, किसको, हरिदास को। हरिदास आकर्षित नहीं हुआ तो वो तो अपने हरे कृष्ण कर रहे, बात में बोलने लगी फिर कि गोसाई आप जैसे नवजौवन शरीर वाले हो, आपका शरीर इतनी सुंदर है हैं, स्वयं रतिदेवी भी मोहित हो जाएगी हैं, आप कितने आप सुंदर युवक हो, मैं सुंदर युवती हूँ, आपका सौंदर्यता देखकर मेरे को धैर्य धारण नहीं होता, इसलिए मैं आपको मिलने की इच्छा कई दिनों में मेरे था, इसलिए मैं एकांत में आपके पास में आया हूँ हैं। मैं जानता हूँ आप युवक युवक और युवती परस्पर को मिलते तो बहुत आनंद लूटते हैं, इसलिए आपको शर्म के मारे चाहिए आप नहीं करते ऐसे काम, लेकिन इसलिए मैं एकांत में अर्धरात्रि में आपके पास में आया, आपके संग के लिए मैं बड़ा लड़ाई था, कौन ऐसा स्त्री है जो आपकी सुंदर जी को देखकर धैर्य धारण कर पाएगी, सब बहुत कह कर चाटू वाक्य कह कह के हैं हरिदास ठाकुर को प्रेरित कर रहा था कि संग करने के लिए। हरिदास ठाकुर ने कुछ बोले नहीं, हरिदास ठाकुर और शंकर जी में ये ब्रह्मा है, शंकर जी थे, शंकर जी के पास में कामदेव गया था, रति कामदेव गए थे एक बार, क्या हुआ, वो भी ऐसे प्रोत्साहित कर रहे थे प्रेरणा माने उनको, तुरंत ही शंकर जी ने तीसरे दिन नेत्र में देखे उसको जला के राख और भस्म बना दिए। हरिदास ठाकुर चाहते कुछ अभिशाप दे के इसको भाग जाते थे वहाँ से, ऐसा नहीं किया इन्होंने, देखे कि इसको दोषी नहीं समझे, तो त्रिकालज्ञ थे, समझ गए सब इसको काम, इसका जो मैंने बुद्धि देने वाला कौन है, रामचंद्र खान, और कहे कि इसको बेचारे क्या करूँ, एक बद्ध जीव इसको उद्धार भी करना चाहिए हैं, जीवे दया कृष्ण नाम यही धर्म सार, बोले कि इसके दया हो, दया इसको उद्धार करना, मेरी कृष्ण नाम देकर इसको उद्धार करूँगा। क्या सोच के हरिदास ठाकुर कहे कि देखो मैं तुम पर तुम्हारे निवेदन को अवश्य पालन, मैं बड़े दुखी हूँ, अभी तो तत्काल तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा भी कुछ व्रत है, मेरा व्रत पूरी हो जाएगा, मेरे संकल्प पूरे हो जाए फिर मैं तुम्हारे साथ संभव करूँगा, चिंता मत करो हैं। क्या बड़ा व्रत है, मेरे जब तक 300,000 नाम समाप्त नहीं होता तब तक मैं कुछ कार्य कोई दूसरे कार्य नहीं करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर बैठ के सुनते रहो, नाम जप करो, नहीं तो सुनो कम से कम। बोला अच्छा ठीक है, राजी तो हुआ कम से कम, तो बैठ के वो अपना जप करने लगे, वो भी बैठ के सुनने लगे, जप सुनने लगे, हरिदास ठाकुर के जप सुनने लगे, तुलसी महारानी के पास बैठे बैठी पूरा रात चला गया, जब ब्रह्मोत्तर आ गया, सूर्य उदय होने वाला हो गया, फिर वो अपने अंग आए हंगड़ा लेकर पाने थोड़ा फ्रेश होने जैसे होते, तो रात भर जब बैठी है ना सोया भी नहीं खड़े होकर, तो फिर जब महा हरिदास ठाकुर कहने की मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया है, मुझे माफ़ करना, फिर काल आना, काल रात्रि में अवश्य तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो। बेचारी दूसरे दिन भी आ गया, और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ है, हरिदास ठाकुर कहे कि तो बैठकर सुनो, मेरे नाम जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर हो तुम्हारे साथ संभव करूँगा। अब बेचारे बैठे सुबह हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरे रात आया,
तीसरे रात में जब पूरे तीन रात जब एक शुद्ध भक्त के मुख से हरि नाम को सुनते रहा है, प्रभुपाद ने क्या करते, चैंटिंग मस्ट बी हार्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी है। हरि नाम को संकीर्तन बाद जब को एक शुद्ध भक्त के मुख से जब सुनोगे, इसका प्रभाव तुरंत ही हमारे ऊपर डालेगा। शुद्ध भक्त के मुख से सुना हरि नाम, हरिदास ठाकुर के मुख से सुना तीन रात, उसकी मन संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो गया। वो कई जन्म की करोड़ों जन्म की जो पाप कड़मस था उसके शरीर में सब साफ हो गया है। भजन हय मार्जन, भजन इसका मार्जन माने पूरे क्लीन हो गया उसके हृदय। तब तो रो रो के हरिदास के चरण में गिर पड़े, कहे ठाकुर मैंने कितने नीच कर्म करने जा रही थी है? मैंने आप जैसे महाभागवत वैष्णव को प्रति ऐसे ही अपराध की चिंतन किया और बोरे रो रो की कहा कि मुझे ऐसे करने के लिए कौन भेजा था, रामचंद्र खान ने भेजा था। सब सुने कि तो हरिदास ठाकुर कहे कि अरे ऐसा बात मुझे पता था तो जिस दिन पहले मेरे पास आया था उसी दिन मैं तुमको छोड़ के चले जाता, लेकिन स्थान छोड़ के चले जाता, लेकिन केवल तुमको उद्धार करने के लिए मैं यहाँ तीन रात रहा। अभी तुमको मैं माला दे रहा हूँ, हरिनाम जप के माला तुमको दे रहा हूँ, तुम इस गुम्फा में रहकर इस कुटिया में रहकर क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र को जपा करो। है हरिदास ठाकुर उसको कहे कि तुम्हारे घर में सब कुछ संपदा जो दान बान कर दो, जो कुछ वेश्यावृत्ति करी कमाया, एक ही साड़ी पहनकर इधर आओ और आके मरा जाओ। वेश्या हरिदास ठाकुर ने अपने गुरु बनाया, हरिदास ठाकुर से गुरु बन गए, सब देकर आकर बस वहीं बैठकर कुटिया में बैठकर जपा करने लगे। रामचंद्र खान सोचा कि कहाँ गया वेश्या, इतने कहीं आता नहीं। एक दिन ढूंढते आया, आके देख रहा है कि बोला क्या हो गया, हरिदास के साथ शादी करके भाग गया ना क्या यहाँ से है। तो ढूंढने के लिए आके देख रहा है कि गुफा के अंदर तो हरे कृष्ण सुन रहा है, लेकिन मैंने कुटिया के अंदर लेकिन लेडीज टून है। बोला ये क्या कौन कर रहा है, तो फिर आगे देख रहा है कि वो क्या बन गया, वो जो गुफा में जो बैठी हुई है हरिदास ठाकुर नहीं थी, कौन था, वेश्या बैठी हुई थी। वेश्या बैठ के हरि कीर्तन कर रहे थे, वो सुंदर वर्णन इसके चैतन्य भागवत में है। हाँ, तो वेश्या बैठ कर नाम ले रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जब हरिदास ठाकुर इसको माने हरिनाम की दीक्षा देकर चले गए, हरिदास ठाकुर कही ठाकुर कहे खारे कथा सब आमी जानी, अज्ञ मूर्ख से ही तारे दुख नहीं मानी। वेश्या ने जब कहा कि मैं जानता हूँ रामचंद्र खान की सारे कथा, लेकिन ये अज्ञ है, अज्ञान का कारण ऐसे ही किया है, इसलिए अज्ञान जानकर मैं दुख इसके लिए मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ कि मैं दुखी होने से उसका भी कुछ अनिष्ट होने वाला, इसलिए मैं उसका अनिष्ट नहीं चाह रहा हूँ, किसका, रामचंद्र खान की। तो कहकर तुम यहाँ रहकर भजन करो, करा उसको भजन करने लगा दिए। लेकिन जब आया जो हरिदास ठाकुर इसको शिष्य बना दिए, तो फिर तुलसी सेवन करे चरमण उपवास, इंद्रिय दमन हैल प्रेमेर प्रकाश, प्रसिद्ध वैष्णवी हैल परम महांति, बड़ा बड़ा वैष्णव तारे दर्शन ते जानती है। वो भी हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णवी बन गई, उसकी ख्याति सर्वत्र व्यापने लगा, दूर दूर से बड़े बड़े संत लोग आए उसको देखने के लिए, किसको, पहले वेश्या थी, अभी हरिदास की कृपा रे महान वैष्णवी बन गई। रामचंद्र खा के आए, देखा कि क्या चल रहा है इधर, ये क्या चला, वेश्या को देखा कि साधु बन गया, ये कंठी तुलसी कंठी लगा के तिलक लगा के बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ये अपराध किया हरिदास के चरण में रामचंद्र खान। उसका प्रतिशोध लेने के लिए नित्यानंद प्रभु पधारे उसके गांव में। नित्यानंद प्रभु एक बार गए उसके गांव में, जाकर उसी के घर के सामने हैं, वो रामचंद्र खान दुर्गा पूजा करता था, सामने देवी का मंडप बना के रखा था, वही मंडप में बैठकर नित्यानंद प्रभु क्या किए, संकीर्तन आरंभ किए सपार सद्र बोहार। वो रामचंद्र खान ने देखा कि अरे ये आ गया अवधूत इधर कीर्तन करने, अपने लोगों को भेज दे, बोला है जाए कि इसको बंद मना कर, यहाँ कीर्तन फिरतन नहीं चलता है। वो आगे देखना है गांव में बड़ा गौशाला है, गौशाला में जाके वहाँ कीर्तन करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ से इनको बोला जाने के लिए आगे देखने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु के साथ जो मैसेज भेजा, बहुत ज़ोर से हंसे, बोले ठीक है सही बात है, ये इसका इसकी ये रूप यहाँ कीर्तन का स्थान नहीं, यहाँ क्या होना का स्थान है,
ये गोमांस कुकिंग होकर गोमांस खाने का स्थान है और इसके घर तो लूटेगा थोड़े दिन में ही, इसको जबन ही लूटेंगे और इसकी यहाँ पर आके इसका धर्म नष्ट करेंगे, इसको सताएंगे, यही सही है। तो कहकर नित्यानंद प्रभु चले गए छोड़ के। और ये 3 दिन के अंदर आ गए कौन सब मुसलमान लोग, कहा क्योंकि टैक्स फांकी दे रहे थे, राजा तो था लेकिन बादशाह तो थे मुसलमान हुसैन शाह, और वो ये उनके अंदर में एक अधीनस्थ राजा था, छोटा राजा था, और ये टैक्स वगैरह ठीक से पेमेंट नहीं करता था, इसलिए कोई उसका नाम कंप्लेन कर दिया कि इस टैक्स हैं कलेक्शन करके अपना खो ठीक रखता है। तो इसलिए वहाँ से मुसलमान से वो आ गए, आके इसके घर से पूरा सीज कर लिए, हैं घर सीज करके घर में घुसे और इसको बहुत मारे पिटाई के लिए अरेस्ट कर लिए, उनके घर से सब स्त्रियों की भी बेइज्जत किए, सब कुछ धन संपत्ति लूट लिए, पूरे गांव लोगों को परेशान किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि एक जनारा दोषे सारा ग्राम उजाड़ है, यदि कि कोई नेता दोष करता है तो उसके सारे जितने भी डिपेंडेंट उनका सब प्रजा वो सारे परेशान होते हैं, इसलिए बहुत मारा। और उसी जहाँ पर कीर्तन कर रहे थे उसको कीर्तन करने नहीं दिया था नित्यानंद प्रभु को, वहीं पर वो मुसलमान को गाय काट के वहीं कुकिंग करके गोमांस खाए उसको पूरा, वो हिंदू था रामचंद्र का, तो इसको बहुत परेशान किए हैं सताए। तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार, हरिदास ठाकुर जब चले गए बेनापोल से जाकर हरि नदी गांव में जब गए ब्राह्मण लोग वहाँ पर जाकर भी हरिना फिर हरिभजन करते थे, कुछ लोग हरिनाम के प्रचार करते थे लेकिन ब्राह्मण को सहन नहीं हुआ, ब्राह्मण कहे कि ये क्या है मुसलमान के घर में जन्म लेके हमारे ऊपर दादा आके इधर बड़ा बड़ा भक्त दिखा रहा है, यहाँ बड़ा भक्ति करा। उसके ब्राह्मण लोगों ने कहे कि ये क्या हरिदास जोर जोर से चिल्लाता है, हमको सुना नहीं देता है, किसके क्या ये चलता है, बंद करे इसको, भगवान के नाम क्या मन में नहीं होता है, अंदर से नाम कर, मुख में मुख खोलने के इतना जोर से चिल्लाने का क्या, क्योंकि कभी नाचते थे ना हरिदास ठाकुर है, उन्मत्त होकर प्रेम में बिहोड़ होता था, हरिनाम संकीर्तन करके नृत्य करते थे। एक बार हरिदास ठाकुर ऐसे ही जब कोई सांप बजा, सांप खिलाने वाला होता ना, डिप 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 बजा के सांप खिलाता था, लेकिन ये तो भाव में थे हरिदास ठाकुर, जो इसे डिप डिप वाद्य सुने बिहोड़ हो गए प्रेम में, वहाँ जाकर पूरे हरे कृष्ण मंत्र गा के जोर जोर से नृत्य करने लगे। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण मंत्र गा के नृत्य कर रहे देखकर आसपास जो लोग जाते थे हजार लोग एकत्रित हो गए और हरिदास ठाकुर को सब दंडवत प्रणाम करते थे। तो एक तगड़ा लड़का था अच्छा से, वो भी बोला ये व्यक्ति को इतना हजार लोग भी प्रणाम करता है, ये इतना तो तगड़ा, मैं तो उससे ज़्यादा तगड़ा हूँ, मैं तो और ज़्यादा अच्छा नाच सकता हूँ, मैं भी ऐसे नाचूँगा तो मुझे ही लोग प्रणाम करेंगे, ऐसे सोच के पूजा की भावना, पूजा मान प्रतिष्ठा भावना लेके वो भी क्या कि आपने टाइट कर लिया, कपड़े को टाइट करके अच्छे से कमर में बांध लिया, टाइट करके कच्छा लगा के वो भी देखिए हरिदास ठाकुर के साइड में क्या क्या नाचने लगा, नाचने लगा तो वो सांप खड़ाने वाला जो पेड़ी था नाचते नाचते उसका पैर लग गया उसमें, सांप पेड़ी निकल ऐसे खुल गया तो सांप निकल, तो वो सांप खिलाने वाला जो था डंडा था उसके हाथ में लगाया उसके पैर में, दो पाया दो लगाया लाठी में, दूसरा देखा कि अरे इसको भी मारा क्यों मारा है, कुछ तो गलती किया होगा ना, मारा क्यों उसको, वो भी आया एक थप्पड़ लगाया, अरे ये क्यों लगाया थप्पड़, कुछ तो गलती किया होगा ना क्यों थप्पड़ लगा, चौथा आया मारा, ऐसे हजार लोग इसे सभी लोग आके मारे इसमें एकदम इतनी पिटाई खाया बेहोश बेहोश होकर वहाँ गिर पड़ा। जो महाभागवत वैष्णव को इमिटेशन करते हैं सम्मान की इच्छा से, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा से जो महाभागवत वैष्णव की जो क्या अनुकरण करता है तो उसका हालत ऐसे होता है। तो फिर जो वे हरिदास देखे कैसे नाम ले रहे थे जोर जोर से, तो ब्राह्मण लोग का बोले ऐसे बंद कर, तो हरिदास ठाकुर ने उनको समझाया नाम की महिमा कि जोर जोर से नाम लेने से मैं तो अपने जप कर सकता हूँ लेकिन केवल मेरा कल्याण हो सकता है, लेकिन मैं जोर जोर से नाम जब कीर्तन करता हूँ इसमें सारे पशु जितने भी अन्य नास्तिक लोग सब आसपास के लोगों का भी कल्याण होता है, जोर जोर से नाम लेने से अधिक लाभ होता है, मन से जपने से अधिक लाभ होता है, किसे जोर जोर से जप करने, जो ये कहने लगे तो वो बहुत गाली दी ब्राह्मण लोग, बोला ऐ तो लिमिट का बाहर जा रहा है, मुसलमान होकर हमको सिखा रहा है, हम सब ब्राह्मण घर में हिंदू कुल में जन्म से ही जन्म हुए, जन्म से ही ब्राह्मण है, तू हमको सिखा रहा है हरिनाम की महिमा, सीधा चले जाने गांव छोड़ के, नहीं तो तुमको अच्छा से धुलाई कर देंगे, बहुत धमकी दिए वो लोग ब्राह्मण लोग। हरिदास ठाकुर थोड़ा दुखी हो गए, बोले ऐसा है ठीक नहीं है, वो बेस्या को मैंने सभी मेरे लिए दुखी हो जाते हैं, रामचंद्र खान भी दुखी हो गए, अब यहाँ पे गाँव में अब ये भी हरिनदी गाँव में ये ब्राह्मण भी सब दुखी हो गए हैं,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये कलियुग में सब ब्राह्मण कैसे जन्म लिए हैं, ब्राह्मण सब राक्षस यानी असुर घरे हैं, राक्षस घर जन्म हैं, जन्म जन्म लिए किसके लिए, सुजन अरे हिंसा करी बारे। हरिदास ठाकुर जैसे सुजन महात्मा के हिंसा करने के लिए ही इस कलियुग में ब्राह्मण सब कहाँ जन्म लिए हैं, राक्षसों के घर में, राक्षस के घर में जन्म लिए, राक्षस की वृत्ति ऊपर में जनेऊ और अंदर में राक्षस के समान बात करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि इसलिए कलियुग में ये सब जन्म लिए हैं, राक्षस सब ब्राह्मण का घर में जन्म लिए हैं। तो हाँ, कली काले राक्षस सकल विप्र घरे जन्म इबे सुजन अरे हिंसा करी बारे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते। तो दुखी होकर फिर वहाँ से चले गए, छोड़ के हरिदास ठाकुर उन गाँव छोड़ के हैं, उनकी गाँव रघुनाथ दास गोस्वामी की जो गांव था सप्तग्राम, वहाँ जदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु थे, तो वो उनके घर में पढ़ाई करने जाते थे, कौन रघुनाथ दास, और वो अद्वैताचार्य के भी मित्र थे जदुनंदन ठाकुर, तो उनके घर में जाकर रहे हरिदास ठाकुर, रहे रह के अपने भजन करते थे, और वह मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी जाते थे उनको भी कृपा आशीर्वाद कर देते थे, इसलिए हरिदास की कृपा से ये भी महान भक्त बने, कौन रघुनाथ दास, नाम के प्रति उनके भी रुचि उत्पन्न हो गया, संसार के प्रति वैराग्य भावना आ गया। लेकिन फिर भी जदुनंदन आचार्य घर में जाते थे तो जो गोवर्धन और गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार दोनों जमींदार थे, उस सप्तग्राम के राजा थे, तो उन्होंने कहे कि माँ गुरुदेव आपके घर में संत हरिदास ठाकुर पधारे, थोड़ा नाम की महिमा के बारे में एक सेमिनार करेंगे, हैं बड़ा इष्ट गोष्ठी करेंगे, हमको भी सुनने की बहुत इच्छा है हरिनाम की महिमा के बारे में, बोले पुण्यात्मा थे तो इसलिए बड़ा इष्ट गोष्ठी हुआ, हजार हजार लोग वहाँ इकाठी हुए, क्योंकि हरिदास ठाकुर कोई प्रवचन नहीं करते, सब समय तो हरिनाम कीर्तन करते थे, आज उनको क्या करना है, हरिनाम की महिमा बताना है, तो इसलिए सब लोग आए सुनने के लिए। लेकिन वो जो गोवर्धन मजुमदार के गए, तो उनका जो जमींदार थे बड़े, उनके ऑफिस में एक क्लर्क था, अकाउंटेंट था, जो हिसाब पत्र रखता था, उनके जो टैक्स वगैरह सो आता था उनको, सो हिसाब पत्र कितना पैसा मिलता है एक सो अकाउंट कर रखता था, एक जवान लड़का था गोपाल चक्रवर्ती, क्या नाम था उसका, गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक जवान लड़का था, 22-23 साल के लड़का, और वो सभा में था, हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा को वर्णन करते रहे, कलियुग में और कोई उपाय नहीं, केवल हरिनाम संकीर्तन। तो उन्होंने हरिनाम को तीनों प्रकार के कहे, अपराध के साथ, फिर आभास नाम, फिर शुद्ध नाम, तीनों प्रकार के नाम की महिमा पर आप बात में था, मैंने इसका डिस्कशन होगा इसमें। तो लेकिन कहे कि जो अपराध के साथ नाम लेता है उसके सारे भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाते हैं, धन जन कविता सुंदरी, यहाँ तक भी इंद्र की पद चंद्रमा की पद जितने भी प्रकार के सब भौतिक भोग की पद है सब मिल जाता है उसको, केवल अपराध से नाम लेने से, अपराध के साथ नाम लेने से। यदि कोई आभास नाम लेता तो नामाभास अजाम मिला वैकुंठ गेला रे, और शुद्ध नाम लेने से भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो कह रहे थे तो खाली अपराध के नाम लेने से ही सब इंद्र चंद्र वरुण सब पद मिल जाएगा, तो वो बोला कि ये क्या बकवास कर रहा है, कौन गोपाल चक्रवर्ती, इसको कहाँ से लिए हैं, मुसलमान के घर में जन्म लेके यहाँ आया प्रवचन देने, ये क्या बोल रहा है, यदि ऐसे खाली हरिनाम ऐसे ही खाली अपराध के साथ नाम लेने से मिल जाता है तो वो फिर शास्त्र में क्यों पाया, वेद में क्यों कहा गया है, असमध्य यज्ञ करो, बाजपेय यज्ञ करो, असमध्य बाजपेय अग्निहोत्र, कितने सारे यज्ञ करने के लिए क्यों कहा गया, लोग इतने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके इतने बड़े बड़े यज्ञ क्यों किए, राजा महाराज लोग सब क्यों किए इतना बड़ा बड़ा यज्ञ, ये सारे जानता है, कुछ भी को बोलते रहते आप लोग बोलते सुनते रहते हो, ये इसका बात विश्वास कर, क्या बकवास कर रहा है, ऐसे कह कह के अंत में कहने लगे ये ऐसे बकवास करते रहेगा मैं इसका नाक काट लूँगा, कौन बोला, तो सारे प्रजा में हाहाकार मच गया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ऐसा बोल दिया उसका नाक काट लेगा, बड़ा दुखी हरिदास ठाकुर तो बड़े दुखी होकर हाथ जोड़कर खड़े हुए, नम्रता से कहे कि यदि मेरे वचन में कोई गलती हो, हरिनाम की महिमा जो बताए इसमें यदि कुछ गलती है तो मैं आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा मेरे नाक काटने के लिए, मैं स्वयं अपने नाक काट लूँगा। तो बात सुनकर हाहाकार मच गया, और वो गोवर्धन मजुमदार खड़ा होकर इसको निकाल दिया, एक सेकंड बोला ए गोपाल चलो यहाँ से, हमारे दरबार में तुम्हारा कोई नौकरी और नहीं, कल से नहीं आना हमारे स्थान पर, क्योंकि वैष्णव अपराध किया देखकर इसको सहन नहीं करना चाहिए, उसको निकाल दिया।
लेकिन गोपाल चक्रवर्ती जो कहा था कि हरिदास ठाकुर के नाक काट लेगा, 7 दिन के अंदर ही उनके कोढ़ व्याधि होकर नाक सड़ के गिर गया और उसके गले में भी लेप्रोसी हो गया, गला भी बंद हो गया, कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वैष्णव निंदा क्या था ना, बोल रहा था ना, तो इसलिए गला भी बंद हो गया, बाप बोलना उसका 7 दिन के लिए बंद हो गया और नाक भी सड़ के गिर गया। साक्षात सब लोग देखा वैष्णव अपराध के हरिनाम की महिमा में विश्वास न होने से क्या प्रतिफल मिलता, इसलिए सभी लोग हरिदास जय हरिदास जय हरिदास जय हरिदास की महिमा और बढ़ गया। लेकिन हरिदास ठाकुर जब देखे कि ऐसे गोपाल चक्रवर्ती की ऐसे हालत हुआ, बोले मेरे लिए एक जीव का ऐसा ही दुख हुआ, बड़े दुखी होकर फिर वो स्थान छोड़ के चले गए। फिर आकर शांतिपुर में फुलिया के फुलिया बोले अद्वैताचार्य घर के पास हुआ शांतिपुर में, वहाँ भजन करने लगे, वहाँ गंगा किनारे फिर भजन करने लगे। तो लेकिन वहाँ जो मुसलमान राजा था और जो दूसरा मुस्लिम राजा उनका जहाँ पर ये इनके जन्म हुआ था बोढ़न ग्राम में, तो वहाँ के आसपास के जो सब मुसलमान सब इकट्ठी हो गए, बोले देखो ये जन्म लिया मुसलमान के घर में और नाम ले रहा किसका, है हिंदू भगवान का नाम ले रहा। चैतन्य भागवत कई जगह में कहते कि ये घटना सबसे पहला हुआ था, इसके बाद रामचंद्र की घटना और रामचंद्रपुरी और सब घटना हुआ था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिभक्ति विलास में ने अपने हरिनाम चिंतामणि में इसको लास्ट में लिख रहे हैं कि ये जो जवन ने क्या क्या, जवन ने भेजा अपने पर लोगों को पकड़ा पर निमंत्रित, वो जो काजी वहाँ का जो लोकल काजी था, काजी उसके ऊपर फिर मैंने जो सम्राट है उसको कहते बादशाह, तो काजी ने बोला इसको बांध के लेके आओ बादशाह के पास, मुझे विचार करेंगे, हाँ मुसलमान होकर हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहा है, पकड़ के ले गए बांध के अरेस्ट करके। बादशाह ने कहा कि भाई तुम हिंदू जवान जमन कुल में मुसलमान कुल में जन्म लिया है, जन्म से मुसलमान है, तुमको क्या कहना चाहिए, मुसलमान क्या कहना चाहिए, अल्लाह 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 जपना चाहिए, अल्लाह हो अकबर तुमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ते हैं नमाज पढ़ना चाहिए 5 बार, तुम ये छोड़ के ये क्या कर रहा है, ये हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहा है, इसको बंद करना है, काल से आज से क्या करना, ये हरिनाम कर हिंदू भगवान के नाम छोड़ के हमारा मुसलमान भगवान के नाम लेना। तभी हरिदास ठाकुर कहे कि मेरे मत में तो मैं जो समझा हूँ भगवान दो नहीं है, भगवान एक है और वही भगवान ही सबको बुद्धि देते हैं, जिसको अंतकरण में जैसा बुद्धि दिया वो ऐसा ही नाम लेता है। आप लोग भगवान को अल्लाह अल्लाह को नहीं पुकारते, मेरे को भगवान ने ऐसे ही अंतकरण में वही अल्लाह ने बुद्धि दिया कि मेरे नाम से मेरे मुख से ये नाम निकल रहा क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो कुछ लगता नहीं कि मैं कुछ दोष किया हूँ, भगवान दो नहीं है, हिंदू भगवान अलग मुसलमान ऐसा नहीं, तो मैं जानता भगवान एक है, अलग लोग अलग अलग प्रकार के उनके पुकारते हैं, अब मुझे जैसे भगवान ने अंतकरण में बुद्धि दिया मैं ऐसा ही पुकारता हूँ। तो मसले काजी कहा कि देखो देखे आपके सामने ही कैसे जवाब दे रहा है, इतना हिम्मत है इसको, हाँ इसको यदि सुधारेंगे हमारे सारे मुसलमान आस्ते आस्ते क्या हो जाएंगे, हिंदू हो जाएंगे, सब हरिदास का फॉलो करेंगे, फिर सब दूसरे सारे मुसलमान को ये हिंदू बना देगा ये, हैं इसको अच्छा से इसको छोड़ाना पड़ेगा, हरे कृष्ण बोलना, इसको क्या बोलाना, अल्लाह हो अकबर इसको बुलाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं इसको, हैं इसको पिटाई करते करते जान निकलना चाहिए इसके। बादशाह बोला ठीक है ऐसा ही हो, बादशाह भी सोचा सही बात है, यदि बादशाह यदि ये सच्चे संत होगा 22 बाजार में पिटाई खाने के बाद भी मरेगा नहीं, 20 तगड़ा तगड़े लोगों को बुलाए, 20 बहुत तगड़े जवान लड़कों से बुलाए, पहलवान को बुलाकर बोला कि देखो इसे बांध लो, बांध के मारो चाबुक में, घोड़ा की पूछ चाबुक बनता, बोला इसको इतना पिटाई करो, पिटाई करते 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 इसे जान जैसे निकाल जाए, हैं 22 बाजार में जहाँ पर लोग इकट्ठी होते हैं हजार हजार लोग, वहीं सबके बीच में इसको पकड़ कर लेके वहीं मारना, इसको पिटाई करते करते इसे जान निकाल लेना, लोगों को दिखाएगा कि जो हरिनाम लेगा उसका क्या क्या, जो मुसलमान घर में जन्म लेकर हरिनाम लेगा उसका क्या शास्ति मिलेगा, हैं कोई भी मुसलमान जैसे साहस नहीं करेगा हिंदू बनने के लिए, इसको पिटाई करना इतना मारना सबके सामने, हैं वो तो थे तो 20 लोग पिटाई करते थे, लेकिन जितना पिटाई करते थे हरिदास इतनी जोर से और
हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ऊपर को हाथ उठाकर दोनों हाथ ऊपर रखे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। वो जो पिटाई करने वाले वो पिटाई करते करते थक गए हैं, वो हरिदास ठाकुर में तो एक भी प्रहार का एक दाग भी नहीं पड़ा है? आकाश में सुदर्शन आ गया था, सुदर्शन आके सभी को समाप्त करने वाला था यीशु नास्तिक मुख, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते थे सुदर्शन को, ये लोग अज्ञान है, क्या कर रहे नहीं जान रहे, सुदर्शन इनको हे प्रभु इनको क्षमा कर दो, ये जानते नहीं क्या कर रहे, अज्ञान है, क्योंकि ये स्वयं उनकी भलाई प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए सुदर्शन कुछ इनका अनिष्ट नहीं कर पाता था। इसलिए महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने देखा है हरिदास को, हरिदास देख मेरे पीठी, महाप्रभु ने थोड़ा पीठ से कपड़ा निकल देखा, ये जो प्रहार तो पिटाई करता है तो तुझे कुछ यंत्रणा होता था, मतलब मैं तो आपके नाम उच्चारण कर में नाम रस में मस्त था, मुझे तो कोई पिटाई नहीं लग रहा था, कोई मुझे कोई यंत्रणा नहीं हो रहा था, इसलिए तो मैं आनंद में और जोर जोर से नाम पुकारता था। महाप्रभु ने देखा है, देखो ये सारे पिटाई कहाँ पड़ता था, अपने पीठ में, किनके पीठ में, गौरांग महाप्रभु की पीठ में है। हरिदास ठाकुर बहुत रोने लगे, क्योंकि तूने मेरे सुदर्शन को भेजा है सब नास्तिक को समाप्त करने के लिए, तू सुदर्शन को बोला नहीं है इनको मत करो, अज्ञान क्या करते नहीं जानते, इनको क्षमा कर, और क्या करेगा, प्रहार जो खाता था मैं तुम्हारे दुख को सहन नहीं कर पाता, तुम मेरे नाम उच्चारण कर रहा था तो मैं कैसे तुमको इसको सहन करूँगा तुम्हारे पीठ पर ये प्रहार को, इसलिए पीठ सारे प्रहार मेरे ऊपर पड़ता है। लेकिन हरिदास ठाकुर तो कोई कष्ट नहीं हो रहा था, नाच जोर से कीर्तन करते थे, नाचते थे, हैं तो जो ले गए थे इनको मारने के लिए वो लोग बोले कि देखो ठाकुर जी आप मर जाओ मर जाओ, कृपा करके हाथ जोड़ के सब पीटे पिटा पीट पीट के थक गए, 22 बाजार में पिटाई किए, उनके हाथ से फट गया, वो उनके हाथ से ही खून निकल रहा, जो पिटाई करने वाले उनके हाथ से सब खून निकल रहा था, फट गए हाथ से, और रो रो कर बोल रहे थे ठाकुर जी हम तो समझ गए आप जिंदा पीर हो, हैं पीर कहते मुसलमान लोग साधु को, आप जिंदा पीर हो हम समझ गए, लेकिन आप जब नहीं मर जाओगे ये मुसलमान जो राजा है बादशाह ने हम सभी को मार डालेगा, हमारा 20 परिवार नष्ट हो जाएगी, हमारा कितनी पत्नी है बाल बच्चे हैं कितने रिलेटिव है सब रोएंगे, आप एक आदमी के लिए हमारा 20 परिवार को फांसी में चढ़ा देगा, मार के फेंक देगा, हमको सभी को मर्डर कर देगा, कौन बादशाह, इसलिए हम कृपा करके आप मर जाओ, हम प्रार्थना करते कि आप मर जाओ। हरिदास ठाकुर ने थोड़ा मुस्कुराए बोले कि ठीक है, मेरे हित के लिए यदि आप सब मेरे मृत्यु होने से आप सभी के यदि हित होगा पूरा 20 परिवार बच जाओ ठीक है, मैं शरीर त्याग लू, ऐसे कह के तुरंत ही ऐसा आँख बंद करके समाधिस्थ होकर ऐसे ही नीचे गिर पड़े। तो मुसलमान तो सब थोड़ा रुई के टुकड़े लेके देखे श्वास चल रहा कि नहीं, अरे श्वास नहीं चला, हो गया हरिदास, हरिदास अभी मर गया, पकड़े शरीर को उठा के बड़े उत्साह गए, बादशाह आपका काम हो गया समाप्त कर दिए, हो गया मर गया ये, अच्छा डेड बॉडी कपड़ा चढ़ा दिए ऊपर है, कपड़ा चढ़ा के लेके गए, कॉफिन दे के लेके गए रख दिए सामने, तो वार्तालाप क्या करेंगे इसको, काजी को पूछे धर्म तो उनका है? काजी को आगे बोले क्या करना है इसको बोलो बादशाह, तो कहे कि देखो इसको जलाना नहीं, जलाएगा तो हिंदू का गति मिल जाएगा, ये हिंदू भगवान का नाम ले रहा था, हिंदू लोग जलाते हैं, जलाने से इसको हिंदू भगवान मिल जाएगा, हिंदू भगवान के पास चला जाएगा, यदि इसको कबर देंगे तो फिर मुसलमान के पास अल्लाह के पास चला जाएगा, लेकिन ये जैसा काम किया इसको शास्ति मिलना चाहिए, हैं इसको जलाना भी नहीं कबर भी नहीं देना, इसको ऐसे पानी में फेंक दो मछली कछुआ इसको खा जाए, है तो बुद्धि कौन दे रहा है, भगवान ही दे रहे ना वो कहाँ से आपने, तो उसको लेकर फिर उठा के ले हरिदास के शरीर को लेके गंगा में फेंक दी, हरिदास तो समाधि थे और ठहर के फिर दूसरे साइड में चले गए, फिर दूसरे साइड में चले गए, फिर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अरे हरिदास तो आ रही को फेंक दिए इसको गंगा में, तो दूसरे साइड में जाके नाच रहा है, फिर गा रहा है, फिर हरे कृष्ण कर रहा है, हरे क्या है मर गया था ना, तो खबर पहुंच गया बादशाह के पास, बादशाह खुद आया भक्त भक्त देखने, देखा फिर भी बोला अरे तो मर गया था, बोले 22 बाजार में पिटाई खाया, ये लोग 20 आदमी इसको मारे इतना, लेकिन फिर भी ये जान इसका, तभी उसके मन में भगवान ने इसको बुद्धि दिया है,
तो समझ में है कि निश्चित रूप में एक महान संत थे। तो अभी उन्होंने डिक्लार कर दिया, हरिदास को बुलाया, बुलाकर कहा कि मैंने जो कुछ अपराध किया, लेकिन मैं समझ गया कि तुम एक सच्चे संत हो, तुम पीर हो, जिंता पीर हो, इसलिए आज से मैं तुमको आदेश दिया, मेरे राज्य में कहीं भी रहकर कहीं भी भजन कर सकते हो और कोई भी तुमको कोई बाधा नहीं डालेगा। हैं, सो हरिदास ठाकुर को पूरा परमिशन मिल गया है भजन करने का। भगवान ने ही सब करते हैं, थोड़ा भक्तों को थोड़ा सहन करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जय होता भक्तों की है। तो फिर वो गए जाकर अद्वैताचार्य जी के गांव के पास, शांतिपुर के पास में, फुलिया में गंगा के किनारे रहकर अपना भजन करने लगे। अद्वैताचार्य, ये शिष्य किसके है? कोई हरिदास ठाकुर किसका शिष्य है? हैं, वो तो ऐसे ही नाम जपने लगा। हाँ, वो हमको दिखा लेने का क्या जरूरत है? नहीं, हरिदास ठाकुर के भी गुरु कौन है? अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य उनके गुरु हैं। किनके? हरिदास ठाकुर। अद्वैताचार्य के संग करने लगे। फिर और अद्वैताचार्य जिनको प्राप्त करके, हरिदास को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। फिर वह शांतिपुर में कीर्तन करने लगे हैं। नाड़ा तोरो उच्च संकीर्तन है, नाड़ा रहुंकार। महाप्रभु कहते कि नाड़ा कौन? ये जो अद्वैत, ये हुंकार करके बुलाए, सालग्राम से और सालग्राम में गंगा जल तुलसी डालकर मेरी पूजा करके हुंकार के आने के लिए मुझे आह्वान किया। और तुम ये हरिदास ठाकुर, हरिदास और शिवास, तुम दोनों मिलकर बहुत संकीर्तन किया, इसीलिए मैं धरा पर अवतीर्ण हो गया। महाप्रभु ने कहे मैं इसलिए संसार में आ गया। तो इस प्रकार हरिदास की महिमा व्याप्त होने लगा। अद्वैत आचार्य ने अपने पितृश्राद्ध करके, पितृश्राद्ध की पत्र, जो पितृश्राद्ध जो प्रसाद जो है भगवान को खिला, पितरों को खिलाने के बाद उसको साधारण किसी ब्राह्मण को दिया देना चाहिए, उच्च कोटि के ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। लेकिन अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध पात्र को किसको खिलाए? हरिदास को खिलाए। पहले कोटि ब्राह्मण भोजन है, यदि आप खाओगे, तुम ही खाई ले है कोटि ब्राह्मण भोजन। हे हरिदास, यदि तुम खाओगे भोजन को, हरिदास कहते नहीं, ये क्या कर रहे हो? मर्जी मुझे क्यों दे रहे हैं भोजन पात्र? ये भोजन पात्र को तो ब्राह्मण खाने के योग्य है, मैं तो जवान हूँ, अत्यंत नीच हूँ। अद्वैत आचार्य कहे कि नहीं हरिदास, नमे प्रिय चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिय, चार वेद को जानने वाला ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं होता है। भगवान कहते कौन प्रिय है? उताव के चंडाल होने पर भी, कितने नीचे नीच कुल में, जवन कुल में जन्म लेने पर भी, यदि मेरी भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो इसलिए हे हरिदास, तुमको जो मैं भोजन करा रहा हूँ, तुम ही भोजन करी ले है कोटि ब्राह्मण भोजन, करोड़ों ब्राह्मण को खिलाने का फल मुझे मिलेगा। ऐसे कहा कि बहुत अनुनय विनय से उनको खिलाए। कौन? अद्वैताचार्य ने जो हरिदास ठाकुर खिलाए। हरिदास ठाकुर की महिमा को अद्वैताचार्य जानते थे, नित्यानंद प्रभु जानते थे, इसलिए इस फिर उनको हरिदास ठाकुर को लेकर आए शिवा संगन में। जब महाप्रभु की प्रकाट्य हो गया, संकीर्तन मृला प्रारंभ हो गया, काजी के पास में असहयोग आंदोलन हो गया, ये सभी आंदोलन में हरिदास ठाकुर भी शामिल थे। ये भी नृत्य करके, महाप्रभु के साथ में नृत्य करते करते सभी में भाग लिए थे। इसलिए इसी प्रकार नामाचार्य हरिदास की ख्याति बढ़ने लगा। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लेकर आ गए, कहाँ? पुरी में आ गए, तभी हरिदास ठाकुर भी नवद्वीप छोड़कर, मायापुर छोड़ के कहाँ आ गए? पुरी में आ गए। हरिदास को देखकर महाप्रभु ने बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन हरिदास ठाकुर कभी महाप्रभु के सन्निकट में नहीं जाते थे, जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, मुसलमान थे वो, केवल नहीं रूप सनातन भी नहीं जाते थे, क्योंकि मुसलमान के अंडर में नौकरी किए थे, मंत्री पद, उस समय बड़ा समाज में स्ट्रिक्ट था, मुसलमान के अंडर में नौकरी किया तो वो मुसलमान बन गया। मुसलमान अपने पात्र से खाली पानी थोड़ा लेके छिड़क लगा देगा, आप मुसलमान हो गए, ऐसा उस समय ऐसे ही मानते थे वो। इसलिए लेकिन महाप्रभु यीशु को लेके जा सकते थे, कि गौरांग महाप्रभु साक्षात भगवान है। पूरी के गजपति राजा प्रताप रुद्र कहते थे कि महाप्रभु की जो भी इच्छा पूर्ण करना, एक सेकंड भी लेट होना नहीं चाहिए। महाप्रभु चाहते थे उन सबको लेके जाते, लेकिन ये दैन्यता से कहते थे नहीं, हम योग्य। हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, ना भक्तों के साथ में बैठकर एक ही लाइन में भी भोजन करते थे, प्रतीक्षा करते थे महाप्रभु खाने के बाद। सो भक्त खाने के बाद जो उचिष्ट रहता था, भक्त भुक्त अवशेष, महाप्रभु खाने के बाद जो उचिष्ट रहता था उसी को खाने के, उनके मनोभाव को समझते हुए गौरांग महाप्रभु ने उनको बाध्य नहीं करते थे। लेकिन कहे कि हरिदास, तुमको रहने के लिए मैं एक जगह दे रहा हूँ। कौन सा जगह? सिद्ध बकुल।
जहाँ पर आज भी हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर और वो बकुल वृक्ष उनके साखी के रूप में आज भी वहाँ पर विराजमान है। हरिदास ठाकुर के एकांत रहने के लिए वो समझ के महाप्रभु की इन्हीं के माध्यम से मुझे हरिनाम जुगधर्म हरिनाम का प्रचार करना है, नाम की महिमा को प्रचार करना है। इसलिए महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को वही स्थान में रहने के लिए स्थान दिया है, सिद्ध बकुल नाम के आज जो प्रसिद्ध है। वहाँ हरिदास ठाकुर एकांत में रहकर वहीं से जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखते थे। पताका पतित पावन पति का है पतित पावन बनाजे जारना, उस पताका के नाम क्या है पतित पावन बना, और नील चक्र को देखकर अपने कुटिया में वहीं बैठकर भजन में जैसे पहले करते थे, सही तुलसी वृक्ष को रोपण करके और वहीं तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 1 करोड़ नाम एक महीने में जपा करते रहते थे। 3 लाख से भी ज़्यादा नाम लेते थे और खाते थे क्या क्या खाते थे, प्रत्येक दिन गौरांग महाप्रभु भोजन करने के बाद उनके जो उच्चिष्ट रहता था महाप्रभु के सेवक गोविंद लाकर पहुंचाता था किनके पास, अरे ये कृष्ण के ही तो है ना, कृष्ण के जो भजन करोगे भोजन के लिए भजन करने वाला चिंतन नहीं करता है, चिंतन किसका होता है कृष्ण का। हरिदास ठाकुर दिन रात भजन करते थे तो उनकी भोजन की चिंता किसकी हो रहता था, गौरांग महाप्रभु की। और गौरांग महाप्रभु तो कोई फास्ट और दूसरा प्रसाद बोल, लेकिन वो जानते कि हरिदास ठाकुर क्या हरिदास क्या खाना चाहता है, वो महाप्रभु की उच्चिष्ट ही खाना चाहते थे, इसलिए महाप्रभु प्रत्येक दिन अपने उच्चिष्ट उसके पास भेज देते थे। जो भजन करता है इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ज़्यादा भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करो, आप ऐसे ही कुछ कार्य करो भगवान आपको देखने हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने बाद जगन्नाथ को दर्शन करने, लेकिन गौरांग महाप्रभु प्रत्येक दिन आते थे उनको दर्शन देने के लिए, किसको हरिदास को, प्रत्येक दिन समुद्र स्नान करने जाते थे हरिदास के पास आते थे आकर उनको दर्शन देते थे। आप ऐसे ही यदि कुछ काम करोगे सेवा करोगे भगवान आपको देखने आते हैं, ऐसे काम करो ऐसे सेवा करो आपको गुरु कृष्ण देखने आएंगे, आपको देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा प्रयास करो ऐसे ही कुछ सेवा करो। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर किसी प्रकार नाम करते हुए दिन रात 1 करोड़ नाम एक महीना में लेते हुए देखकर बड़े प्रसन्न थे। और जब वो स्वरूप सनातन भी जाते थे उन्हीं के पास में रहते थे, लेकिन धूप में बैठकर हरिदास नामाचार्य ने नाम करते थे, महाप्रभु ने देखे कि इसको छाया होना जरूरी है। इसलिए एक दिन सुबह सुबह जगन्नाथ जी के पास गए थे स्नान करने, सॉरी दर्शन करने गए थे जगन्नाथ, सुबह सुबह जगन्नाथ जी को स्नान करा जाता ना, दर्पण कराते सुबह सुबह उठा के, जो अंदर गया होगा सुबह देखेगा ऐसे सो बड़ा बड़ा दर्पण सामने रख के जगन्नाथ जी के सामने, उसी में ऐसे दांतुन रख रहे हैं बकुल के दांतुन बावरे कोई दांतुन, ऐसे देखा कि जगन्नाथ जी का मुख दर्पण में आता ना प्रतिमा आता तो उसी में वहीं पर दांतुन कराते फिर इनको मुख धुलाएंगे सब दर्पण में रख के। इसलिए जगन्नाथ जी के एक बार जो दांतुन सुबह सुबह होता है गए थे महाप्रभु गए तो पुजारी ने एक दांतुन लाकर जगन्नाथ जी के दांतुन दे दिया, किनको महाप्रभु को, बकुल का दांतुन था बकुल पेड़ का, तो दांतुन को लेकर महाप्रभु आए हरिदास ठाकुर के पास और वहीं पर इसको गाढ़ा दे दिए, ऐसा ही दांतुन का स्टिक को गाढ़ा दे दिए तो तुरंत एक विशाल बकुल वृक्ष में परिणत हो गया, आस्ते आस्ते होगा साथ देखते देखते सभी लोग इतनी सुंदर बकुल वृक्ष में विशाल बकुल और हरिदास ठाकुर जहाँ भजन करते इनको छाया करने लगा है। नवद्वीप में महाप्रभु ने क्या करते थे, कौन सा वृक्ष को रोपण किया था, आम खिलाया था, तो यहाँ पर देखिए कि इनको हरिदास ठाकुर तो आम फाम खाना नहीं चाहते, इनको छाया है, इतने धूप में बैठकर भजन करते हैं, इसलिए बकुल पेड़ का वो दांतुन को ही गाढ़ा दे दिए, उसी में से विशाल बकुल वृक्ष हो गया और फिर उसी की छाया में बैठ के हरिदास ठाकुर जपा करने लगे हैं। अरे तो इसलिए महाप्रभु ने सभी भक्तों के सामने घोषणा की कि ये हरिदास जो हैं यही नामा नाम के आचार्य, इनको नामाचार्य के रूप में महाप्रभु ने घोषणा किया है। कलिजुग के जो युगधर्म हरिनाम, ये हरिनाम के ही आचार्य है, लोगों को कैसे नाम जपना चाहिए कैसे कीर्तन करना चाहिए ये सब किससे सीखना है, हरिदास ही सबको सिखाएंगे, हरिदास ही आचार्य है, क्योंकि आचरण है आचार करने के हूँ न करे प्रचार, हर सनातन गोस्वामी ने इसलिए कहा हरिदास ठाकुर के लिए आचार करने के हूँ न करे प्रचार, प्रचार करने के हूँ न करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य तुम्ही जगत रे पूज्य तुम्ही आचार्य, कौन कहा सनातन सनातन गोस्वामी कहे, क्यों जानते हैं महाप्रभु ने इनको ही नामाचार्य बनाया है, युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की ये आचार्य बनाए हैं।
इसलिए महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्ण हरिनाम के आचार्य ही हरिदास ठाकुर बने। और महाप्रभु ने फिर इतना करके भी प्रसन्न नहीं हुए, कहीं कि हरिनाम की महिमा इनकी मुख से ही सारा जगत में प्रचार होना चाहिए, सारे जगत के लोगों को हरिनाम की महिमा हरिदास की मुख से ही श्रवण करना चाहिए। यदि ये सब कुछ महाप्रभु ही करते हैं, जैसे रामानंद राय को कहा रहे थे कृष्ण कथा, रामानंद राय को कहते थे कि क्यों मुझे पितुले की तरफ नचा रहे हो, सब जो कुछ तुम ही बुला रहे हो, तुम ही बोल रहे हो, तुम ही सुन रहे हो, लेकिन मेरे को माध्यम बना रहे हो। इसी प्रकार भक्त को जस देकर भक्त के जस को बढ़ाना ये भगवान को बड़ा प्रसन्नता प्रदान करता है। प्रभुपाद जी ने कहा करते कि ये गौरांग महापुरुष भगवान थे, वो जाते तो सारे विश्व में अकेले प्रचार कर चले जाते। बा भक्ति विनोद ठाकुर इतनी महान आचार्य थे कि वो स्वयं भी पूरा प्रचार कर चले जाते थे, लेकिन ये सब उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया। किन के लिए? प्रभुपाद जी को जसोस्वी बनाने के लिए। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर को विशेष जसोस्वी बनाने के लिए महाप्रभु ने नाम की महिमा को उन्हीं की मुखारविंद से सुनाया। महाप्रभु ने वही सिद्ध बकुल जो कि पूरी श्री जगन्नाथपुरी धाम सिद्ध बकुल के नीचे ही हरिदास ठाकुर की मुखारविंद से नाम की महिमा को व्यक्त कराया था, और उसी को भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि के रूप में पुस्तक के रूप में इसको लिखे हैं, इसको संग्रहित किए हैं, लिपिबद्ध किए। तो वही हरिनाम का महिमा कैसे नाम पहले दो अध्याय में उन्होंने हरिनाम की महत्व व महिमा को वर्णन करते, फिर बीच में दशनाम अपराध की वर्णन करते, फिर सेवा अपराध को वर्णन करते। इस प्रकार ये पूरा हरिनाम है चिंतामणि, हरिनाम के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं इस किताब से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हरिनाम चिंतामणि के बारे में चर्चा करने के लिए कौन आपके चक्रवर्ती प्रभु और कोई मुझे बोल रहे थे, तो मैंने फिर प्रयास करूँगा आज केवल इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको विशेष रूप में क्या कहा गया इतिहास पूरा नाम हरिदास ठाकुर की लाइफ, पहले थोड़ा महाप्रभु किस प्रकार योग धर्म को प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए। ये चिंतामणि के समान है, ये चिंतामणि हम सब चिंतामणि पत्थर सोना बनाते हैं, ऐसा ही हम जैसे पतित आत्माओं को ये हरिनाम रूपी चिंतामणि कहाँ पहुँचा सकता है, जो बद्ध दुनिया में जेल में है हमको यहाँ से मुक्त करके भगवान के चरण कमल तक ले जा सकता है। तो इसलिए इसके बारे में अगले क्लासों में चर्चा की जाएगी। जो हरिदास ठाकुर ने जो वर्णन करके किन को सुनाया, गौरांग महाप्रभु को, वक्ता श्री हरिदास श्रोता श्री गौरांग, स्वयं गौरांग महाप्रभु श्रोता, और वक्ता हरिदास ठाकुर, और लेखक कौन है इसका, शिला भक्ति विनोद ठाकुर इसके लेखक हैं। उन्होंने इसको संग्रहित किया हरिदास ठाकुर नाम से, उनको कहते कि वो सिहट जिला के कुछ वैष्णव लोग थे, जो सही वैष्णव उनकी उनसे ही मैं कड़चा को ये संग्रह करके ही किताब के रूप में लिपिबद्ध किया भक्ति विनोद ठाकुर। तो इसलिए अगले क्लासों में काल से ही हम हरिनाम चिंतामणि के धारावाहिक के रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संक्षेप में आपको हरिनाम हरिदास ठाकुर के जीवन के बारे में बताया, और भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में आप भी जानते हो, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जिन्होंने हरिनाम चिंतामणि लिखा है, नाम बिनुआर किछु तो नहीं चौदह भुवन माझे, ये चौदह ब्रह्मांड के अंदर में हरिनाम के अलावा और कोई कुछ भी नहीं है, हरिनाम से मूल्यवान वस्तु कुछ भी नहीं है। साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाहिए, जगत जिनते और कोनो वस्तु नहीं, साधु की संगति में बैठकर हरिनाम ही करना यही जीवन का लक्ष्य, हरि कथा श्रवण करना, हरिनाम करना, और जगत में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। इसीलिए आए, ये आंदोलन का नाम क्या है, संक्षेप में इसको हरे कृष्ण आंदोलन कहते हैं, हरिनाम कहीं सबके पास में हरिनाम को पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। वो तो एक ही मुसलमान भक्त थे महाप्रभु के पार्षदों में, कौन, हरिदास ठाकुर, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अभी कितने मुसलमान भक्त हैं, और कितने मुस्लिम को भगवान प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया,
हैं, रशिया में जितने भी आप देख रहे हो वो भक्त बन रहे हैं, सारे मुसलमान बैकग्राउंड है रशिया में ना, दो दो रिलीजन के लोग होते हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये सब जो इसको में ज्वाइन करते हैं सब रशियन लोग, ये सारे 99% इनमें सारे मुसलमान हैं, मुस्लिम लोग सारे मुस्लिम बैकग्राउंड है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से कितनी हैं है? मुस्लिम लोग भक्त बन रहे हैं, कितनी हरिदास ठाकुर की हैं फॉलोअर्स है, देखो बढ़ रहे हैं। इसलिए हरि नाम ही चिंतामणि है, पारसमणि है, ये हमको परिवर्तन कर देता है, किसको बद्ध अवस्था से फिर कृष्ण प्रेमी बना देता है, मुक्ता मुक्ता मुक्ति के स्तर से और आगे ले जाता, प्रेमी प्रेम प्रदान करता हमको है, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तो इसलिए कहा गया हरि नाम चिंतामणि, बहुत अच्छा टाइटल दिए कौन भक्तिविनोद ठाकुर, तो चर्चा अगले क्लास में करेंगे। कोई प्रश्न है किसकी? हाँ वो एक लड़ा है कि हरिदास ठाकुर को जानना चाहिए कि उनको वो आम जैसे कौन थे वो, इसलिए बोला कि कौन थे, स्वयं ब्रह्मा जी थे और इनको स्वयं कृपा किसकी था, और द्वैताचार्य जी कृपा था, स्वयं गौरांग महाप्रभु की कृपा था हैं, हम जैसे नहीं थे, इनको मायादेवी भी, और भी कहानी भूल गया कि मायादेवी भी उनको, मायादेवी आई थी परीक्षा करने के लिए, पहले तो बेसिया गए हैं लेकिन मायादेवी साक्षात आकर भी परीक्षा ली थी, मायादेवी भी फेल हो गई हैं, मायादेवी तो परिचय देकर कहा कि मैं स्वयं तीनों लोग को मोहित करने वाली स्वयं शंकर की पत्नी कौन, स्वयं मायादेवी हूँ, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम पीजस्य चतुष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम ब्रह्मजा, कह कि मैं ही गोविंद की माया शक्ति हूँ, वही दुर्गा पार्वती हूँ, आज तुमको परीक्षा करने आया था हैं, देखा कि तुम्हारे कीर्ति सुनकर मैं भी देखा, देखिए कितना कहाँ तक गया हैं, परीक्षा करना मेरा भी काम है, लेकिन आज मेरे को भी मेरे से भी तुम जीत गया, इसलिए मेरा पति से मैं एक मंत्र लिया था, कौन सा, हरे राम हरे राम, अभी आपसे मैं कृष्ण मंत्र लेना चाहता हूँ, इसलिए वो बेस्या को भी दिखा दिए थे, माया देवी को भी, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा है ना, उनको भी दिखा दिए क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हैं, हरे राम 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 चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पंचमुखे शिव बोले हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, दोनों मिलके महामंत्र हो गया हैं। तो हरिदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे जो कि माया देवी को भी परास्त कर सकते, लेकिन हम यदि उनको अनुसरण करेंगे उनकी कृपा से फिर हम शुद्ध नाम ले सकते हैं। तो ऐसे महाभागवत वैष्णव की सेवा करना पड़ेगा हैं, जो लोग पहुँचे जो लोग शुद्ध नाम ले रहे हैं इनकी सेवा करने से उनकी कृपा आशीर्वाद हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बाद, वैष्णव सेवा न करके ऐसे हो जाएगा हैं, सब बोला यहाँ वैष्णव महाराज कृपा कर दो नाम को हो जाए, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है, हम बोलने पर भी वो कृष्ण कार्यकारी करने नहीं देते हैं, वैष्णव की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करके प्रसन्न करो, प्रसन्न चित्त में वो जो आशीर्वाद देते तो फिर कहे कि कृष्ण मति रस्तु, मारे मति कृष्ण में लग जाएगा, माया में नहीं लगेगा, लेकिन वैष्णव की सेवा करके आशीर्वाद लेने से हैं, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, हमारे प्रयास केवल सब कुछ प्रयास में नहीं होता, प्रयास और कृपा दोनों चाहिए, भक्ति रसामृत सिंध में हमेशा रूप गोस्वामी कहते प्रयास करो और कृपा की प्रति भी आशा रखो, किसी महाभागवत वैष्णव या कृष्ण की कृपा, कृष्ण कृपा हमेशा मिलना डायरेक्ट इतना आसान नहीं, हम अर्जुन है या उद्धव नहीं है, लेकिन वैष्णव की सेवा करके उनकी कृपा ले सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे ही मिल जाएगा, खाली वैष्णव सेवा करो, किसी वैष्णव को ढूंढो फिर उनकी सेवा करो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, संक्षेप में महाप्रभु कह दिया, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल, बार बार सर्वशास्त्री फुकारिया कह यही तीन हईते कृष्णे प्रेम भक्ति है, समझ रहे हैं,
वैष्णव की सेवा किए बिना नहीं होता है। जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल है, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। सब भजन में सब महाजन लोग बता के गए, इसको फॉलो करो है। बिना महत से महत सेवा रजो भी से कम, कुछ नहीं होने वाला। राहु गण तपसा न जाती न इज्जया न चेज्जया न निर्वाण निर्वापण ग्रह ग्रहादि भी है निर्वाप, ये सब से किसी के माध्यम से भगवान के चरण मन नहीं लगेगा है। तब तपस्या न जाती, तपस्या करने से नहीं वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे भगवान के चरण में पति को लगाने के लिए। तपस्या न जाती न इज्जया, भगवान के विग्रहों को पूजा करने से भी ऐसे भी नहीं होगा। निर्वापणा सब त्याग कर वानप्रस्थी सन्यासी बन के चले जाने से जंगल से जंगल में है, इससे भी नहीं होगा है। वह गृहस्थ जीवन है, वो परफेक्ट गृहस्थ जीवन निभाने पर भी नहीं होगा है, ये सब उपाय से नहीं होता है। वह जला अग्नि सूर्य ही घोर तपस्या करने से, ठंडी के टाइम से जाकर बर्फ का जल में हिमालय के गंगे के अंदर खड़ा होकर डूब के डुबकी लगा के जपा करने से कुछ नहीं होगा। आग जलाकर गर्मी के समय सीजन में आग जलाकर उसके बीच में बैठकर भी जपा करने से, सूर्य के तपता हुआ सुबह सूर्य किरण में दोपहर में खड़ा होकर जोर जोर से हरे कृष्ण करने से इसके द्वारा नहीं होने वाला। ये सब किसी भी उपाय से भगवान के चरण में मति नहीं लगने वाला है। बिना महत पद रजो अभिषेकम, किसी महान पुरुष की संत की संत पुरुष की कृपा जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ, चाहे उसके चरण धूल में जब तक तुम शरीर तुम्हारा शरीर मार्जित नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होने वाला है। नरोत्तम दास संक्षेप में कह दिए, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैसे के है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हरि नाम संकीर्तन की हरि नाम चिंतामणि की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा रास बिहारी की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय नित्याय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।